हेलो डियर स्टूडेंट, हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम प्रज्वल सिंह है और मैं आपका टॉप 10 क्लासेस में बच्चों स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में बच्चों की क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन और हमने वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन बच्चों देख लिया था, आज हम आपका देखेंगे विसरण क्या होता है। तो जब हम कभी अपने कमरे में, ये है बच्चों आपकी अगरबत्ती, क्या बच्चों अगरबत्ती, और अगरबत्ती को हमने बच्चों क्या किया, जलाया, ये आपको बच्चों क्या है मोमबत्ती, और मैंने इसको जलाया अगरबत्ती को, और जब आप जलाएंगे तो कुछ टाइम बाद देखेंगे अगर आपको एक कमरा हो, अगर बच्चों आपको क्या है कमरा हो तो पूरे कमरे में अगरबत्ती की सुगंध फैल जाएगी, पूरे कमरे में अगरबत्ती की सुगंध, अगर बत्ती की सुगंध पूरे कमरे में फैल जाएगी, अगर बत्ती की सुगंध बच्चों कहाँ पे फैल जाएगी, पूरे कमरे में फैल जाएगी। तो ये किसके कारण हुआ बच्चों, यह हुआ आपके विसरण के कारण हुआ, डिफ्यूजन के कारण हुआ। तो कहने का क्या मतलब निकला डिफ्यूजन, कि देखिए जब हमने अगरबत्ती जलाया होगा तो उसका जो सुगंध निकला होगा बच्चों, जो अगरबत्ती से धुआं निकल रहा है बच्चों, तो वहाँ पर जहाँ से स्टार्ट हुआ निकलना वहाँ पर उष्णता ज़्यादा, तो धीरे धीरे आपका अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में फैलने लगा, मतलब आपका उष्णता ज़्यादा था, अब धीरे धीरे उष्णता वहाँ पर क्या होने लगा बच्चों कम होने लगा, अब उष्णता धीरे धीरे कम होने लगा और आपके अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में फैल गया। तो कहने का क्या मतलब निकला कि उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है बच्चों, विसरण कहलाता है। विसरण क्या बच्चों, फिर से एक बार, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो कहने का मतलब जो विसरण निकला उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन विसरण कहलाता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जो गमन होता है बच्चों क्या कहलाता है आपका, विसरण कहलाता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल की बात करें, अगर आपको इसकी एग्जांपल चाहिए बच्चों, तो जैसे हम लाते हैं फॉग सेंट, आप देखते हैं एक जगह मारते हैं और कुछ टाइम के बाद वह आसपास जो भी एरिया आपके पास मौजूद होती है, बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं बच्चों, जो भी उसका कैपेसिटी होती है वहाँ तक आपका वह फैल जाता है, तो ये क्या है आपका विसरण है बच्चों, ये क्या है विसरण है। अगरबत्ती को जलाते अगरबत्ती का धुआं पूरे कमरे में फैला और वह जो सुगंध आई आपको वह विसरण के कारण आई, तो यही है आपका विसरण। तो जैसे अगरबत्ती को जलाने पर, अगरबत्ती को जलाने पर धुआं का पूरे कमरे में, अगरबत्ती को जलाने पर धुआं का पूरे कमरे में फैल जाना विसरण
कहलाता है। मतलब बच्चों ये विसरण का उदाहरण है। ये क्या है बच्चों? आपका विसरण का उदाहरण है। ये आपका क्या है? डिफ्यूजन के उदाहरण है बच्चों। तो डिफ्यूजन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसे आप पढ़ लीजिएगा विसरण क्या है। तो ठीक है बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो इसे आप लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में रिश्तेदारों में इसे शेयर कीजिएगा, और अगर आपको विस्तृत से रिलेटेड या पुरानी टॉपिक से रिलेटेड कोई डाउट बचे हो तो उसे कमेंट बॉक्स में आप छोड़ दीजिएगा, और हम देखेंगे तो पक्का है अगले दिन उस पर बनाएंगे आपका वीडियो। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।